ओ भाई साहब, इतना सारा सामान पड़ा हुआ है यार, कैसे करेंगे हम यार। और हमें यहाँ ध्यान से भी करना पड़ेगा, यहाँ पे अंडे भी मिलने वाले हैं, हमें अंडे भी पड़े हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ से। हमारी जो छोटी वाली मुर्गी है ना, वो अक्सर यहीं चढ़ के अंडे दे देती है। पहले हम एक काम करते हैं, संभल के जाके जो है ना अंडे उठा लेते हैं। हाँ, यहाँ कोई सांप नहीं है। अभी यहाँ कहाँ से मरा हुआ सांप आ गया पागल आदमी, ये गाँव थोड़ी है, तो शहर है। ये पड़े हुए अंडे, अरे ये देखें हमारी दूसरी वाली मुर्गी के अंडे, उठा लेते हैं हम। ये लो, ये अंडे पकड़ो। एक तो हमारी मुर्गियाँ ना इतना ऊपर जाके अंडे देती हैं ना, मत पूछो यार। बस बस बस, पहले दो पकड़ो, फिर दो और पकड़ लेना, किसी पिंजरे के अंदर डालो जिसके अंदर कोई जाए ना, खाए ना इसको। हाँ, ये बॉडीगार्ड को भी साथ ले जाओ। ये देखना इसके पीछे पीछे जाएगा, वो देखो वो गया, वो गया। भाई पता नहीं क्यों इसके पीछे पागल पागल रहता है, इसके साथ साथ चलता रहता है एकदम। हाँ देखें दोस्तों, ये कार्टन रखा था हमने काम के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है चूहे ने नेस्ट बनाया हुआ है। भाई पूरा पूरा कार्टन जो है ना, ये मेरे ख्याल से अंदर तो हुए हुए अंदर देखें आप, कैसा दिल बनाई हुई है। बच्चे बच्चे भी होंगे शायद, चलो मैं चेक कराता हूँ आपको। हाँ अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ चूहे के बच्चों की, कह रहा अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। यहाँ से देख नज़र आते हैं, वो देखें आप कितना इन्होंने मतलब करा हुआ, सारे फरार हो चुके, खाली है, काटने को रहने देते हैं इसको। ओए अंडा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ओए एक दो तीन अंडे, चार अंडे पड़े हुए यहाँ पे। ओए होए ओए, ये तो हमारी गोल्डन वाली चिकन के हैं भाई, वो यहाँ छिप छिप के अंडे दे रही थी। ओए होए, हम ऐसे ही सोचे जा रहे थे कि जो ना हमारी मिनी चिकन अंडे नहीं दे रही, लेकिन उसने यहाँ पे जगह बनाई हुई। देखो चार अंडे यहाँ से और मिले, वो भी हमारी गोल्डन चिकन के यार। बे यार, इसको हम इंक्यूबेटर में डाल देते, अब तक तो बच्चे आ जाते, पता नहीं कितने पुराने अंडे हैं यहाँ पे। और तो नहीं है, ओए एक और है, एक और है, एक और है भाई, एक और यहाँ पे अंडे दे ही जा रही है छुप छुप के। और हम जो है ना अंडों के लिए परेशान हुए पड़े कि इसके अंडे जा कहाँ रहे, ये अंडे दे ही नहीं रही। देखें आहिस्ता आहिस्ता सफाई होना शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि आज ही कम्प्लीट हो जाएगा भाई, थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है। इतनी सारी चूहियों भाई, भाग गए, नहीं ऊपर नहीं आना। वो देखें, वो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो चुके हैं, भाग गए, सारे भाग गए। अब ये सामान हटेगा ना, सारे और फरार हो जाएंगे, इसके नीचे छिपे हुए थे। नहीं ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं, ये नाजुक छत है, गिर जाएंगे सारे के सारे। अब इसके नीचे चले गए सारे, अब मैं ये बर्तन उठाऊंगा ना तो इसके नीचे आएंगे। ये देखें, ये भाग रहे, ये भाग रहे, ये भाग रहे। अरे भागो नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, नहीं मारने वाला तुम्हारे को। हुई 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 हुई, पूरी कॉलोनी बनी पड़ी है बच्चों की। हुई 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 हुई, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों, यहाँ पूरी कॉलोनी बड़ी पड़ी है। हुई 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 हुई, ये देखें कितने सारे बच्चे हैं भाई साहब, इतने सारे बच्चे हैं। और तो शुक्र है छोटे, ये देखो ओए 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 ओए, दोस्तों इनको तो काउंट करते करते थक जाएगा बंदा यार, इतने बच्चे, इतने बच्चे मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे यार, चूहे के इतने बच्चे। भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा यार, भाई साहब ये अगर बड़े हो गए ना यहाँ पे खत्म, खबर नहीं हो रहा कहाँ कहाँ चढ़ के तुम लोग देख रहे हो, किसके ऊपर चढ़े हो? ये देखो कुर्सी के ऊपर चढ़े हैं इनका, ये ना बस नहीं, मैं बाहर ही निकालने वाला हूँ और फिर दिखा रहा हूँ, सबर कर जाओ। ये नेट में डालते हैं, इस नेट में डालते हैं, ठीक है? तो आप तो लंबी हो ना, आपको नजर आ गया, वो तो छोटे छोटे है ना, उनको कहाँ से नजर आएगा। अभी हम इस नेट में डालेंगे चूहे के बच्चों को, और ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, किसी एक चूहे ने बच्चे नहीं दिए हुए, हर साइज के बच्चे यहाँ पर हैं। सबसे छोटे जो हैं यहाँ पर हैं, कुछ बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। नहीं ये छोटे नहीं है, सबसे छोटे ये वाले हैं, देखें। अरे अरे यार, हाथ धो लेंगे, हाथ धो लेंगे, लेकिन इनको हटाना भी है यहाँ से, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें सबसे छोटे यहाँ पे ये हैं, ये तो हमारे रैबिट वाला हिसाब किताब हो गया। देखो सबसे छोटे हैं, और उनसे बड़े फिर ये हैं, फिर इनसे बड़े ये हैं, और इनसे बड़े वाले जो हुए ना, वो अभी अभी हमारी आंखों के सामने फरार हो गए। हाथ नहीं लगाना कोई भी बच्चे को, मैं अब काउंट करते जाओ कितने हो गए। 3 4 5 6
अरे बाद में गिन लियो, 6 7 8 9 9 हो गए, 9 और 3 12। ये वाली साइड खाली हो गई, ये नेस्ट खाली हो गया और ये फरार हो रहे हैं, इनको पहले पकड़ लेता हूँ। ये लो 13 13 14 15 16 20 20 होगा। ओए ओए भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा 20 23 25 26 20 25 और ये 5 30 होगा 30 होगा 30 1 2 3 4 5 6 36 37 41 चार हैं ये 41 होगा। ओए 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 44 है ना 44। बस बाकी कुछ फरार हो गए, उनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। 44 याद रखना 44, और बाकी फरार हो चुके हैं यहाँ पे। नहीं ये देखें, ये इनका नेस्ट है। 44 हमने कर लिए हैं और लगभग हमारे 8-10 यहाँ से हमारी आंखों के सामने फरार हुए हैं। अगर हाथ में आते हैं ना तो हम आपको दिखाएंगे। ये देखें 44 इसके अंदर जो है ना हमने रेस्क्यू करे हैं, वो भी चूहे के बच्चे रेस्क्यू करे हैं यार हमने, मतलब और भी मिलने वाले हैं। तो 5 मिनट सबर करो, अभी आपका भाई और ढूंढ के आपको दिखाता है। यहाँ पे भी नेस्ट है और यहाँ पे एक अंडा भी, ओए दो अंडे भी पड़े हैं यहाँ पे मुर्गी के। ये दो अंडे वहाँ पे रख कर आओ भाई। दोस्तों मैं नीचे तो आ चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा यार क्या बोलूँ यार, समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ मोए मोए हो गया। मैं जब नीचे उतर रहा था ना तो मैंने अपना मोबाइल बंद करके जेब में डाला कि यार मैं नीचे उतर रहा हूँ तो मोबाइल गिर ना जाए, और इस सेफ्टी के लिए मैं जब उतरने लगा ना तो मेरा मोबाइल जेब से पता नहीं कैसे बाहर निकला और इसकी पूरी LCD पे एक ग्रीन कलर की लंबी सी लाइन आ गई है यार। और उसको देख के जो है ना, मतलब क्या बोलूँ यार, इतना मतलब नसीब ही ख़राब है आज, इतना सारा सामान भी उतरा है, अभी मूड सा भी ऑफ हो गया है कि यार समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से ये मेरे हाथ में, ये देखें 45 जो है इसके अंदर बच्चे हैं हमारे सेटअप के चूहे हैं भाई ये। तो ये 45 अब इसका क्या करना है मैं सोच रहा हूँ। किसको? ये देखो बेला को देते हैं, बेला ऐसी चीज़ें नहीं खाती। बेला जो है तो बाहर की बिल्लियाँ खाती हैं ना, घर वाली बिल्ली नहीं खाती। चलो चलो चले चले इनको छोड़ कर आते हैं भाई। अरे मैं तो कह रहा हूँ एक काम करते हैं, भैया को भी चेक कराते हैं एक बार, उसको जो है ना सरप्राइज देते, बोलते हम नया पेट लेकर आए। ठीक है भाई, ऐसे खतरनाक चीज लेकर आया हूँ ना खरीद के, दिखाऊं सरप्राइज। नहीं नहीं सारे परेशान हो जाएंगे, अभी नहीं दिखाएं। तो कब दिखाना है फिर? बाद में अभी रुकी सोच रहे तो दें को। अच्छा भाई बताओ क्या लाया हूँ, दो तीन ऑप्शन देता। कव्वे का बच्चा कहाँ से लाया? नहीं नहीं किसी जमीन के जानवर के बच्चे हैं। अरे यार इतने इधर देखो, 45 बच्चे मैंने निकाले हैं, 45 सारे परेशान हैरान। वो बत्तख वो घर है ना उसके ऊपर से 45 बच्चे हैं इसके अंदर, 45 नहीं पूरी छत साफ, बाकी 10-15 फरार हो गए जो थोड़े बड़े हो गए थे ना। तो कहां से आते हैं समझ में नहीं आ रहा ना, इतना ऊपर कैसे आते हैं समझ नहीं आता। हमारे यहां तो बाजरा और ये वो दाना वाना मिल रहा है ना खाने को। अरे इन्होंने ऐसा घोंसला बनाया हुआ है कि मतलब आप परेशान हो जाओगे, ऐसा लगता है कि चिड़िया का घोंसला है। और ये तीन जगह से मैंने जमा करा है। यहीं छोड़ देते हैं, यहीं पे चले जाएंगे। चले जाएंगे चलेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे इन सबको छोड़ दिया और वैसे भी अभी अजान शुरू हो चुकी है। चलो आज वो चले जाएंगे, अब अजान शुरू हो गई, चलते हैं वापसी। फाइनली दोस्तों हमारा जो है डक हाउस की छत वो पूरी की पूरी क्लीन हो चुकी है, मतलब सफाई निफ्स ईमान वाला हो गया है हमारे मामलात कुछ ऐसे। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन एक यार सैड न्यूज़ फिर एक आ गई है कि मैं इसको इतनी देर से टाइम लैप्स लगा के बैठा हुआ था और इस पागल ने टाइम लैप्स भी जना मतलब शूट नहीं कराया। क्या हो गया यार, आज तो मोबाइल ऐसा गिरा कि सारे काम ही ख़राब हुए बड़े। इतनी मेहनत मैं करता रहा यहाँ पर, सारे काम शाम करता रहा और हमारे मोबाइल ने टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड नहीं करा। मैं अगर सच बताऊँ ना तो मुझे अच्छी नहीं लग रही यार, ऐसी शादी शादी हो गई है यार, कितनी खाली खाली हो गई है, कचरा बड़ा हुआ अच्छा लग रहा था। आर यू कॉमेडी मी? तो खैर यार जो भी है, हमारी जो चादर वो छत है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी डक हाउस की मतलब ये तो क्लीन हो गया, लेकिन ये वाला केज रह गया, इसको हमने शिफ्ट करना है और बजीज कॉलोनी को शिफ्ट करना है। तो यार आज जो है ना इतना बहुत है, क्योंकि आज मैं सुबह से लगा पड़ा हूँ और अभी रात हो चुकी है, तो बहुत काम आज कर लिया और इतना बड़ा व्लॉग बना है कि इसको शायद आप दूसरे पार्ट में देख रहे हैं, ये पहला वाला आपने देख लिया होगा, अब ये दूसरा पार्ट है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा और इंशाल्लाह जो है कल एक नई अलग वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।